फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें अदालत उज़्मा से तमाम दरख्वास्तें खारिज और मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी के बेटे की ट्रैफिक हादसे में वफात पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने वफात पर अहले खाना से दिली रंजो गम और सदमे का इजहार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात इतने संगीन और गंभीर हो चुके हैं कि तबाह हाल मईशत को मुस्तहकम जमहूरियत की जरूरत है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 अहम केसेस की समाअत करने जा रही है, जो पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों का रुख मोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं और नए सियासी तजुर्बात में रुकावट का बाइस बन सकते हैं। और पार्लिमानी कमेटी बराए इंतहावी इस्लाहात के इजलास में सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सेनेट में टेक्नोक्रेट की सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजुर्बा दरकार होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी खर्चात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे।